आज हम बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जैसे माध्यम के जो कण होते हैं, चाहे वो जल हो या एयर हो, माध्यम के कण पर, जैसे मान लीजिए किसी माध्यम का एक कण है, जब इस पर सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ती है या प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो पहले ये ऊर्जा को अवशोषित करती है, पहले ये ऊर्जा को अवशोषित करेगी और बाद में जा कर के ये पुनः उत्सर्जित करती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो पुनः सुनेंगे, ये क्या होता है कि माध्यम के कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता, मतलब उसकी ऊर्जा को पुनः अवशोषित करता, पहले अवशोषित करता, तो प्रकाश की किरण को अवशोषित करके अब बाद में पुनः उसको उत्सर्जित करने का काम करता है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता। तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो पहले ये इनर्जी मीडियम का जो पार्टिकल्स है, पहले ये इनर्जी को एब्जॉर्ब करता और इनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इनर्जी रेडिएट करता। तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, रेले का समीकरण करके कुछ आता है, रेले का समीकरण। ये रेले का समीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको अंग्रेजी में रेलेज इक्वेशंस बोलते हैं, रेलेज इक्वेशन। ये इसी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताता। जैसे कि हमने कहा, माध्यम के कण पहले ऊर्जा को अवशोषित करता और बाद में ऊर्जा को क्या करता, विकृत करता यानी उत्सर्जित करता। तो पहले ऊर्जा को तो अवशोषित कर लिया, तो इसमें जो पुनः ये विकृत करेगा, तो विकृत या उत्सर्जित करेगा, तो उत्सर्जित किस रंग के प्रकाश की किरण को ये अत्यधिक उत्सर्जित करेगा, या इसका क्या इक्वेशंस है, ये कहता है रेले का समीकरण। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता। तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का क्या होता? व्युत्क्रमानुपाती होता। मतलब प्रकाश की किरण जो अब विकृत होती है, प्रकीर्णित होती है, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता में सबसे ज़्यादा तीव्रता उसका होगा जिसका तरंगदैर्ध्य कम, जिसका भी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसकी तीव्रता अधिक होगी, और मतलब जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो जाएगा उसकी तीव्रता कम होगी। तो आप लोग एक एग्जांपल हम बताते हैं कि रंगोली आप लोग बनाए होंगे दीपावली या होली के समय में, घर के आगे रंगोली वगैरह जो बनाते हैं। तो रंगोली बनाने में क्या होता है कि जिस कलर को जितना ज़्यादा छींटते हैं या स्प्रेड करते हैं, जिस कलर को जितना ज़्यादा छींटते हैं, तो उसमें उस कलर की अधिकांशता दिखती है, मतलब उस वो कलर ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए रंगोली बना रहे हैं तो वहाँ रेड कलर हमने ज़्यादा छींटा है, तो रेड ज़्यादा दिखेगा। तो ये रेले के समीकरण कहता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, आई फॉर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है, स्कैटर्ड लाइट ये जो है रंग के तरंगदैर्ध्य यानी किसी रंग के या किसी किरण के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, जिसकी तीव्रता अधिक होगी वो ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। कोई पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता में जिस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, तो एक्चुअल में सबसे कम तो वायलेट का होता है, तो VIBGYOR सबसे कम वायलेट कलर का तरंगदैर्ध्य होता है, तो इसकी तीव्रता अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये फिंट कलर होने की वजह से ये ज़्यादा दिखता नहीं है।
तो डीप कलर में जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, डीप कलर में जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है वो ब्लू कलर का होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग पूरा नीला नीला नज़र आता है। एक्चुअल में होता क्या, प्रकाश की किरणें जितनी भी आती है तो वायुमंडल के जो कण हैं वो ऊर्जा को अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद पुनः वह प्रकीर्णित करती है। पुनः वह क्या करती है, प्रकीर्णित, यानी तो उसी प्रकीर्णन में उस रंग की तीव्रता अधिक होती है जिसका लैम्डा सबसे कम है। यानी डीप कलर में ब्लू कलर की जो तीव्रता है ये सबसे कम होती है, यही कारण है कि आकाश पूरा ब्लू ब्लू नज़र आता है। अच्छा, इसी प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कई बार पूछेगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता, क्योंकि होता क्या है कि जब कभी भी हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी के अधिकांश भाग में जल रहने के कारण सूर्य की प्रकाश की किरणें जब उस जल में पड़ती है तो पहले ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, तो मतलब समुद्र का जो जल है वो ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और पुनः बाद में प्रकीर्णित करती है, मतलब उत्सर्जित करती है। तो पुनः बाद में जो प्रकीर्णित या उत्सर्जित करती है तो उसमें ब्लू कलर का ही इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूर्व पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, इसी में एक टर्म और एक क्वेश्चन छोटा सा और आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी तारों का चमकना किन कारणों से होता है। याद रखेंगे तारों का चमकना भी यही प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश, मतलब तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों को वो ओझल कर लेता कई बार, और चूँकि माध्यम के कण उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता और पुनः फिर से आगे आता है, तो कभी हमारे आँख तक लाइट आ पाता है और कभी हमारे आँख तक लाइट नहीं आ पाता है। इसी प्रकीर्णन के कारण मतलब स्टार्स जो है, यानी तारे जो है टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये था पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता, तो ये स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा, आकाश का रंग भी नीला क्यों होता है, इस बात को भी हमने देखे। एक छोटा सा टर्म हम और बता देते हैं, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी में पूछेगा तो व्हाई, मतलब इन द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज व्हाई स्काई अपीयर्स रेडिश, मतलब स्काई जो है रेडिश दिखता है, इसका कारण क्या है। इन द टाइम ऑफ द सनसेट्स एंड सनराइज, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ता। एक्चुअल में होता क्या, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, जैसे मान लीजिए ये मेरा पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है सन, तो सन से आने वाली प्रकाश की किरणें, सन से आने वाली प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आती है, तो दूर से आने की वजह से वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से अपवर्तित होकर के आती है, तो इसमें अपवर्तन के वजह से इसका विचलन वगैरह भी होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो इसका विचलन होगा, तो माध्यम के हिसाब से विचलन होता, तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो वायलेट कलर का होगा, चूँकि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए होता था, आपको हम प्रिज्म में बताए थे कि डेविएशन जो है। अच्छा, सबसे लैम्डा जिसका ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होगा, तो अपवर्तनांक कम होगा तो डेविएशन कम होगा। तो इसमें होता क्या, रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, चूँकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता, तो रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होने की वजह से डेविएशन जो है सबसे कम रेड कलर का ही हो पाता है। तो रेड कलर हमारे आँख तक आ पाता है, बाद बाकी और सब कलर रास्ते में ही डेविएट होकर के लौट जाता है, जिसकी वजह से हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिर्फ लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। तो अच्छा, फिर से हम बता दें कि लाल रंग इसलिए दिखाई पड़ता है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होने से विचलन कम होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी अधिक दूर होता है,
जिसकी वजह से केवल लाल रंग का विचलन नहीं हो पाता है या लाल रंग ही हमारे आँखों तक पहुँच पाती है और सभी रंगों का विचलन हो जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल या रेडिश दिखाई पड़ता है। तो ये तो था सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है, उसका कारण। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और हम बात करते हैं कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ने लगता है या सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता रहता है, ऐसा क्यों होता? तो इसका भी कारण अपवर्तन है, क्योंकि अभी हम जैसे ही बात किए थे, मान लीजिए ये सन है, सन एक्चुअल में सनसेट कर चुका है, तो सन से आने वाली किरणें डिफरेंट डिफरेंट वायुमंडल के लेयर से होकर के आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के होने होता क्या है कि सन से अर्थ तक आने में बहुत सारे वायुमंडल के लेयर को ये भेद करके आना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, आपको पता होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आप मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर जब प्रकाश की किरण आती है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से प्रकाश जो है हवा में ही रिफ्लेक्शन हो जाने की वजह से ये अपवर्तन, एक्चुअल में ये किसी एक लेयर से ही अपवर्तन नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा लेयर है जिससे कि अपवर्तित होकर के आता रहता है। तो बहुत सारा लेयर है, जैसे मान लीजिए सूर्य की प्रकाश की किरण यहाँ आया तो थोड़ा सा अपवर्तन इधर हो गया, फिर और सारा आएगा, तो हम केवल एक ही लेयर को दिखा देते हैं कि एक लेयर से परावर्तन हुआ है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, तो पूर्णांतरिक परावर्तन कारण यहाँ आ गया। यहाँ पर खड़ा आदमी जब कभी देखेगा तो सूर्य की किरणें हालांकि यहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें इस दिशा में आती है तो उसको लगेगा कि सूर्य इसी पीछे में कहीं ना कहीं है। तो सन एक्चुअल में डूबा हुआ है लेकिन फिर भी सन इससे ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो मतलब सूर्योदय अभी हुआ नहीं है लेकिन सूर्य यहाँ दिखता है। तो यही कारण है कि 2 मिनट पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ने लगता है और सूर्यास्त के समय भी यही हाल होता है, एक्चुअल में सनसेट कर चुका होता है लेकिन फिर भी अपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर के या बहुत सारे लेयर के होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये सन डूब चुका है लेकिन फिर भी सन दिखाई पड़ता है। तो दिन का जो अंतराल है वो 4 मिनट का अंतर इसी कारण होता, क्योंकि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ने लगता और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाता कई बार कि सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले कैसे दिखाई पड़ता या क्यों दिखाई पड़ता। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कलर के बारे में। तो हम बता दें कि किसी भी वस्तु का जो है वो अपना रंग नहीं होता है, एक्चुअल में वो रंग जो डिपेंड करता है कि किस प्रकाश में हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वाइट प्रकाश में अगर किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लीजिए लाल रंग का कोई कपड़ा है, इसको हम सूर्य की प्रकाश की किरणों में देखते हैं, यानी श्वेत प्रकाश की किरणों में ही हम देख रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश श्वेत ही माना जाता। तो जैसे प्रकाश की किरणें आई तो इस पर पड़ने वाली सारे किरणों को ये अवशोषित कर लेगी, लेकिन सिर्फ रेड कलर है जिसको ये अवशोषित नहीं करेगा, क्योंकि रेड इसका कलर पहले से है, तो रेड कलर को ये परावर्तित कर देता है। तो रेड कलर को परावर्तित कर देने की वजह से हमको इस वस्तु का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु व्हाइट दिखता है, तो व्हाइट वस्तु क्या करता है कि श्वेत प्रकाश की किरणें आई तो श्वेत प्रकाश की किरणें में सभी के सभी प्रकाश की किरणों को ये परावर्तित कर देती है, इसी की वजह से ये पूरा का पूरा श्वेत दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई काला वस्तु है, तो काला वस्तु में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश की किरणें आई तो ये सभी को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लैक नज़र आता है, ये पूरा क्या नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है। तो एक चीज़ है कि इस वस्तु का जो कलर है 2 बातों पर निर्भर करता है, एक किस रंग के प्रकाश में हम देखते हैं और दूसरा यह है कि वो अवशोषित किन प्रकाश को करता है। तो इस तरीके का सवाल कई बार आता है, तो हम लोग इसके कलर के लिए हम लोग देखते हैं कि कलर फॉर्मेशन वगैरह। कई बार पूछेगा कि लाल गुलाब को
आप लोग ग्रीन कलर में देखते हो तो किस प्रकार का दिखेगा, याद रखेंगे। जब कभी भी लाल गुलाब को ग्रीन कलर में देखेंगे तो वो ब्लैक गुलाब नज़र आएगा, यानी ब्लैक नज़र आएगा। तो अभी हम एक प्राइमरी कलर की बात करते हैं। ये RGB, RGB का मतलब ये है रेड और यह है ग्रीन और यह है ब्लू। तो RGB ये प्राइमरी कलर माना जाता है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो रेड और ग्रीन को जब कभी मिलाएंगे तो MYC तो MYC तो ये आ जाएगा M, ये आ जाएगा Y और ये आ जाएगा C। तो ये येलो मतलब रेड और ग्रीन को जब कभी मिलाओगे तो ये येलो कलर का फॉर्मेशन होगा, और रेड और ब्लू को मिलाओगे तो ये मैजेंटा कलर, मैजेंटा मोर के पंख में आँख जैसा जो कलर दिखता है वो मैजेंटा कलर है, ये मैजेंटा दिखेगा रेड और ब्लू को जब। अच्छा, मैजेंटा ये लगभग गुलाबी के रंग का होता है, ये स्यान, ये मोर के पंख में जो आँख के कलर का जो दिखता है वो स्यान कलर है। जब ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो ये स्यान कलर दिखता है, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा। और अच्छा, इस सारे कलर को जैसे ही मिला देंगे तो सारे कलर को मिलाने पर जो यहाँ बनेगा ये वाइट कलर मिलता है। ये क्या मिलता है? वाइट कलर मिलता है। तो इसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं। ये प्राइमरी है, रेड ब्लू और ग्रीन, ये सब सेकेंडरी कलर है और सभी को मिल सप्लीमेंट्री कलर है। आमने सामने के कलर को सप्लीमेंट्री कलर कहते हैं, और ये जो है सभी को मिला देने पे ये वाइट दिखता है। तो ये कलर फॉर्मेशन के बारे में बात हुई। अच्छा, एक छोटा सा टर्म और हम बता दें इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो। तो रेनबो क्या होता है? तो आप बरसात के समय में आकाश में 7 रंगों की पट्टी देखते होंगे जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। ये रेनबो किस घटना की वजह से होता है तो हम बता दें कि बरसात में ड्रॉपलेट्स जो होता है, ये ड्रॉपलेट्स मतलब वर्षा की बहुत सारी बूंदें होती है, तो वर्षा की बहुत सारी बूंदें जैसे ही आएगी तो ये सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसे इस पर पड़ेगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और पुनः यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से वर्ण विक्षेपण हो जाता। तो एक्चुअल में यहीं से प्रकाश कर अलग अलग रंगों में विभक्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का देखेंगे, पूछेगा कि रेनबो क्या होता। तो रेनबो एक मतलब आकाश में 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। तो 7 रंग की पट्टी कैसे प्राप्त हो जाती है तो आप लोग वर्ण विक्षेपण पढ़े होंगे। जब सूर्य प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती थी विचलन की वजह से। तो यहाँ भी रेनबो जो होता है क्रमशः अपवर्तन कोमा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लास्ट में क्या होता है वर्ण विक्षेपण, इन सब घटनाओं के वजह से ये रेनबो प्राप्त होता है। रेनबो भी दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और एक को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। यहाँ जो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो ये प्राइमरी रेनबो आएगा। ये कौन सा रेनबो होगा? प्राइमरी रेनबो। और एक बार जो होता है वो सेकेंडरी रेनबो होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें दो बार पूर्णांतरिक जैसे मान लीजिए सूर्य की प्रकाश की किरणें आई तो एक बार परावर्तन यहाँ हुआ और एक बार परावर्तन यहाँ होगा, तो दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये सेकेंडरी, यहाँ से जो वर्ण विक्षेपण होता है ये सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन करता। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में बस थोड़ा सा का अंतर है कि प्राइमरी रेनबो में एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि प्राइमरी रेनबो में रेड कलर जो होता है वो ऊपर होता है और वायलेट कलर नीचे होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो में वायलेट कलर ऊपर होता है और रेड कलर नीचे होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
मतलब प्राइमरी रेनबो में क्या होगा कि आर्क में रेड कलर ऊपर चला जाएगा और वायलेट कलर नीचे चला आएगा, ये प्राइमरी रेनबो में ऐसा होता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा कि वायलेट कलर ऊपर चला जाएगा और रेड जो है वो नीचे चला आएगा, ये सेकेंडरी रेनबो में इस तरीके से होता है। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। एक चीज़ और, प्राइमरी रेनबो ज़्यादा चमकीला होता, सेकेंडरी रेनबो थोड़ा कम चमकीला होता, इस बात को आप लोग याद रखें।